ओम शांति। आज की साकार मुरली 21 जून 2021 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनाने का एकमात्र उपाय, बस पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। यदि अभी हम मेहनत करेंगे तो ये हमें अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिले? अभी तिलक लगाएंगे तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिलेगा, राजाई का तिलक। ऐसा कौन सा तिलक अब हमने लगाना है? बाबा ने हमें तीन दिए हुए ना, तिलक, ताज और तख्त। कौन सा तिलक लगाना है जो संगम युग पर हमें स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाए? एक ही तिलक है, आत्म स्मृति का। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम ये शरीर नहीं है। पहला पहला पाठ, पहली पहली बात अपने आप को स्मृति दिलानी है। अंदर में यही घोटते रहो, अंदर में यही घोटते रहो क्या कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं। कौन गारंटी कर रहा है? शिव बाबा कहता है मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए क्या फायदा मिलेगा? अब बाबा को याद करेंगे तो आधा कल्प क्या फायदा मिलेगा? क्या मिलेगा? कभी रोएंगे नहीं, 21 जन्म तक रोएंगे नहीं, क्योंकि रोते कब है? दुख होता है। 21 जन्म दुख नहीं होगा। ओम ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है। ये क्या चाहिए? फुरना है नहीं, चिंता मंदर लगा रहे। बाबा को याद करना माना मुझे बाबा की श्री मत पर चलना है। ये बार बार सारा दिन याद रहे कि मुझे बाबा की श्री मत पर चलना है। तब पावन बन सकते, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं, ये मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, एक बाप उसकी याद भुला देती है। कम से कम 8 घंटा याद करने की सेवा देनी है। किसकी सेवा होगी 8 घंटा याद करने से? पहले स्वयं की सेवा होगी, हमारे में सुधार आएगा तो बाकी दुनिया में भी सुधार आएगा। अर्थात साजन को
मदद देनी है, याद करने की। बाबा को क्या मदद मिलेगी? हम सुधरेंगे तो हमें देखकर सब सुधर जाएंगे। अथवा बाप बच्चों को, बाप को याद करना चाहिए, बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ, बाप को याद करते रहो, बाप की श्री मत पर चलते रहो। कैसे चलना है? उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद, पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना। ये मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई फल मिलने वाला नहीं है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। ये उतना, ये मेहनत हर 5,000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। हर 5,000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहां भी तुमको ये, कहां भी हो तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये संगम पर मेहनत करनी पड़ती है, फिर तुम्हें चारों युगों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी, कितना याद किया उतनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए नर से नारायण बनना है। ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि 16 कला संपूर्ण बनना है। वो बनेंगे, कौन बनेंगे? सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्री मत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि
कुछ भी करो बाप को याद जरूर करना है, और पावन पावन भी बनना है, क्योंकि बिना पावन बने सतयुग में तो जा नहीं सकते। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहा ना कहा धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद, मूल बात है बाबा को याद करना। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के सब जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा समझ निश्चय करो। आत्मा समझने का क्या करो, निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं तब तक वो देह के संबंधी नहीं भूल सकेंगे। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। यदि नहीं याद किया तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे, कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, और इस समय सब एक दो को काला मुंह करते रहते, एक दूसरे का, एक अकेले का तो काला मुंह होगा नहीं, एक दूसरे का मुंह काला करते रहते। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं क्या करने, पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधा दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो, मेरे से बात करने की जरूरत ही नहीं है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भवो। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। रट रखिया जाओ, मेरी श्रीमत पर चलो बस, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। कितना भी दान पुण्य आदि करो, कितनी भी मेहनत करो, चाहे आग से आते जाते रहो, आग पर चलो चाहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बात की याद। बहुत सिंपल बात है, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बात आज ना। इसको कहा जाता है सहज योग। सहज योग क्या है, क्या है, बाप की श्रीमत पर चल, बस कुछ करना नहीं, करना ही नहीं, तकलीफ भी ना है। कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, नाम नहीं जपना, मंत्र नहीं लेना, इधर उधर कोई जमेला नहीं। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते, कितना उसकी श्रीमत पर। नींद में तो कोई पाप नहीं होता, जागते तो पाप नहीं होता, क्या करें, नींद में हो जाता है। तो नींद में भी दुनिया वाले बहुत फोन आते हैं,
क्या करे, जागते तो नहीं, सपने बड़े खराब आते रहते हैं। तो नींद में भी ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। तो अभी बाबा कहते, आप मेरी श्री मत पर पूरा नहीं चल रहे। इसलिए सपने आ रहे हैं, नहीं, पर मुझे तो आते हैं बहुत। सपने आए, अच्छे आए, आप कहीं भाषण कर रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, श्रीमत पर चल रहे हो, गंदे सपने नहीं आए गंदगी आते हैं। जिससे किसी को दुख देना हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, किसी का ऐसे दुख देने वाले, मतलब कोई भी सपन ना आए, मतलब ये हमें नहीं सुधरा है। तो बाबा कहते, अभी आप ऊपर ऊपर से तो सुधरे हो, अंदर अभी नहीं सुधार हुआ। भाई मुझे अभी तो यह सेना की वृतांत याद आते हैं, हम भाग लो समझ, भाग लो भाग गया, हाँ मिलिट्री में रहते हैं, वो ही याद रहता मतलब गंदे नहीं है ना, मतलब कहने वाला वो सपने हमारे उधर से हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में इतने समाये हुए हैं कि सारी जिंदगी हमने वहां काटी है। अब कईयों के ख्यालात गंदे चलते रहते हैं, वो सपने नहीं आए जिससे दुख देने वाले सपने हो, ऐसे सपने नहीं आए। आप जो कार्य करते हो वो आएंगे, क्योंकि जहां सारा दिन बैठेगा आप, जैसे लोगों के साथ बैठोगे रात को, वही तो दिखाई देंगे। क्योंकि मैं जब शमशान में भाषण करता था, तो रात को सोए सोए शमशान में ही भाषण कर रहा हूँ या जेल में भाषण कर रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का जो करेंगे वही होगा। सारा दिन बुद्धि में जो रहता है ना, तो बाबा की बातें बुद्धि में है, तो रात को बाबा की बातें याद आएंगे। और यदि दिन में यदि हमारे ख्यालात गंदे चले हैं, तो रात को भी ख्यालात गंदे चले। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, जो दिन में पाप करते रहते हैं तो उनको रात को भी क्या दिखाई देगा। और पुराने पाप भी बहुत है, एक तो आप करते रहते हैं, एक पुराने भी बहुत सारे पाप किए हुए हैं। मेहनत करनी है, याद की, यहां आते हो तो ये मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो। दुनिया के जो वाहियात संकल्प चलते रहते हैं, वो दिन में नहीं आए तो रात में भी नहीं है। नहीं आएंगे, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरुजी याद आएंगे, कभी गाना याद आएगा, कभी ये करना है, कभी संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। बच्चों की प्रॉब्लम याद आ रही है, उनकी प्रॉब्लम, अरे भाई उनकी प्रॉब्लम उनकी, आपके पास कोई हल है तो दे के छुट्टी करो, अब सोच सोच के अपना दिमाग खराब। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, पहले तुम्हें भी पता नहीं नहीं ना था, क्योंकि बाबा की श्री मत पर पूरा नहीं चलते, तो ये बातें अंदर में रह जाती। फिर अभी कभी नहीं जानेंगे, अब नहीं जानेंगे, फिर जानेंगे कभी भी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए बाबा क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। निश्चिंत। सत्य, अब यह गाड़ी चलती रहेगी। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात, फुरने माना ख्यालात, और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में मुझे कितना कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। बाबा अपना भक्ति मार्ग में काम दे रहे हैं कि मुझे भक्ति मार्ग में बड़ा फुरना रहता है, भक्त मुझे कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सत्य में कोई भी याद। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं नहीं रहती। है हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके।
ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी, तांबा, लोहा, वो निकल जाए। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम हो जाए। चांदी गिर गई तो 2 ग्रेड सोना खरा ना रहा ना, 24 की जगह 22 कैरेट हो गया ना, 20 कैरेट हो गया। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, हे निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई तीक तीक नहीं करनी, फालतू बहस करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अर्थात बाप की श्री मत पर चलते। यही अंदर घोटना है, अच्छी तरह घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी हैं, तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। अब तिलक कोई ये मिट्टी का चंदन का लगाना थोड़ा है, ये तो स्थूल तिलक है, ये तो मिट्टी का तिलक है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, खोया राजाई का तिलक देते हो। कौन सा तिलक देते हो? तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो, बस सिर्फ ये याद करो, हम आत्मा है, हम आत्मा, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वो हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, ये भी बाजू में बैठे। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेना है, शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा शरीर लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए क्या करना है, तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, सत्युग में लंबी आयु रहती है।
पवित्र रहते हो, सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, वहां है योगी और यहां है भोगी। भोगी पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य हीन आयु बड़ी रहती है, यहां आयु कितनी छोटी होती है, यहां आयु कितनी छोटी होती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है, वहां अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। हम गरीब कैसे हैं? बाप को याद नहीं कर रहे, चरित्रहीन हो गए। चरित्र से हम अमीर बनते हैं, फिर ये बहुत अच्छा चरित्रवान आदमी, जिसका करैक्टर खराब है वो नीच आदमी। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों कुबजाओं आदि को, कोई माताएं बैठी हैं सामने, बुढ़िया हैं कुबजा हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बूढ़ी को कुबजा कहा जाता है क्योंकि कुब निकल जाता है। बुढ़ियों को समझाया जाता है कि बाबा की श्री मत पर मुझे एक बाप को याद। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाती, यहां तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है, वो भी पढ़ रही है, मैं भी कृष्ण के साथ पढ़ने आया हूं। कमाल की बात है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, उसने बहुत अच्छा ज्ञान सुना। बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ, एक भी नहीं। के बच्चे बाबा कहते वो लिखे कि स्वयं परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहा है, जब तक ये नहीं लिखा तो क्या लिखा। उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित होते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते। सिर्फ कहते हैं आपकी समझानी बहुत अच्छी है, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, परमात्मा से वर्षा पाने की मेहनत करे वो नहीं, खुद प्राप्त करे वो नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी बाकी राजा बने वो मेहनत है। राजा बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहां तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से देवता बनते, फिर से 5000 साल पहले भी बने थे, अब फिर से देवता बनते।
ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं, बाप गारंटी देते हैं तुम आधा काल कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको ये रावण माया पर जीत बनाए, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए करते हैं, बाबा के ऊपर थोड़ा कोई एहसान है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं, यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसे पाठ ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ते। बाकी दुनिया में पाठशाला अभी पढ़ो नौकरी शौकरी लग जाएगी आपकी, परंतु यहाँ जो पढ़ाई है इस दुनिया में काम नहीं आनी, ये पढ़ाई तो काम ही सिर्फ कब आएगी। ऐसी कोई दुनिया में पाठशाला नहीं जहां आगे भविष्य के लिए अगले जन्मों के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो वे राजा के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने का चम्मच तो पहले दिन से उनके मुंह में होता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है, भाई उन्होंने किया। अभी किसी राजा के पास, कलयुग के राजा के पास जन्म ले लिया और तुमने किया, तुम सतयुग में चले गए, अंतर क्या है दोनों के? क्योंकि आप समझते हैं कि बॉडी कॉन्शियस में दान किया तो किसी राजा के घर जन्म ले लिया, काम दान किया तो किसी बहुत रईस के घर जन्म ले लिया, या कहीं से पैसा उनके पास ज्यादा आ गया। अब राजा के पास जन्म लिया तो यही के पैसे है ना, स्थूल धन है ना, वो तो ये नष्ट हो जाना है, परंतु तुम्हें सतयुग में क्या मिलेंगे? सोने की मह, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। महल छोटे बड़े हो सकते, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है, फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 21 जन्म तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, सोने का चम्मच वो भी कहां? स्वर्ग में। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि किताबों में शास्त्रों में लिखा है, और वो लिखा है कि गोल्डन स्पून इन माउथ के बच्चा पैदा हुआ, सोने का चम्मच उसके मुंह में था, मतलब बहुत अमीर था,
अब खाली चम्मच लगाने से तो अमीर ना हो जावे, क्योंकि मांग के चम्मच लाए अभी बच्चे को लगाना है या छोटा सा चम्मच लेके लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कोई अमीर तो नहीं हो गया। तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए, उनकी अल्प काल की राजाई मिली और तुम्हें मिलती है 21 जन्मों के लिए राजाई। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज या हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इतने इनका सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, हॉस्पिटल आदि बनवाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहां तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। शफा मतलब इलाज, मुक्त होना, रोग मुक्त हो जाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहां अच्छा लगे सही है वहां जाए। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, ये मुरली यहां से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहां भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद। तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज है, कितना आसान समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाहर की वायात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़, एकांत में बैठ, एक बाबा के साथ बैठ, याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बनती है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। कैसे बनेंगे ये, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेज
कुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा होता है, सार रस, शब्द ऐसे बोलेंगे बस उनको लगेगा कमाल, सुनते रहे सुनते। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है, उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित मुख, संतुष्ट भी रहेंगे और हर्षित मुख भी। अनेक उनके बोल प्रभावशाली होते हैं, उनके सोचते बहुत अच्छी तरह ना गहराई में जाके, वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। वाणी का दान करेंगे तो वाणी में बहुत सारे गुण आ जाएंगे। स्लोगन है स्वराज्य के मालिक बनो, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप। ओम शांति।